हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मेथी और मूली के पराठे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आज हम मेथी और मूली के पराठे में कच्ची स्टफिंग का यूज़ नहीं करेंगे, तो आपके पराठे बहुत टेस्टी भी बनेंगे और बिल्कुल फटेंगे भी नहीं। आज हम जो मेथी और मूली के पराठे बनाएंगे, उसमें हम मेथी और मूली की स्टफिंग बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे, जिससे पराठे बहुत टेस्टी लगेंगे। तो आप इस रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब हम देखेंगे इसकी रेसिपी, और रेसिपी से पहले सामग्री जिसकी हमें ज़रूरत है। सबसे पहले हमें बेसन को ड्राई रोस्ट कर लेना है, और जब हम बेसन को ड्राई रोस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। तो जब बेसन अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाता है तो आप गैस ऑफ करके इसको ठंडा कर लीजिए। मूली को ग्रेट करने के बाद दोनों हाथों से निचोड़ते हुए उसका सारा पानी निकाल दें, उसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। फ्रेश मेथी के पत्तों को आप बारीक काट कर वॉश कर लीजिए। तो हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है तो आप इसमें राई और जीरा डाल दीजिए। राई जीरा के अच्छे से चटकने के बाद इसमें चॉप्ड ऑनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली ऐड कर लेना है। इन्हें हमें गोल्डन होने तक पकाना है, क्योंकि वेजिटेबल को चॉप करने के बाद इसमें काफ़ी पानी होता है, तो जब हम पराठे की स्टफिंग करते हैं तो उसमें से उसकी स्टफिंग निकल सकती है। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाती है और एकदम इसमें किनारे जो है वो तेल छोड़ देते हैं, तब हमें इसमें जो हमने ग्रेट की हुई मूली है वो डाल देना। ये बिल्कुल गोल्डन हो गया है, तो अब हम इसमें मूली डाल देते हैं। मूली डालते समय देख ले, अगर उसमें आपको थोड़ा सा भी पानी लगता है तो दोबारा से इसको निचोड़ कर डाल दें। और इसके बाद हमने इसमें मेथी डाल दी है, और अब हमें इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मूली और मेथी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, और हम इसमें नमक डाल देंगे। हमें सिर्फ यही मसाले डालने हैं इसमें। सारे सूखे मसाले ऐड करने के बाद हमें इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर हमें इनको अच्छे से पका लेना है। मेथी और मूली को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें जो हमने रोस्ट किया हुआ बेसन था वो डाल देंगे। इनको पकने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो अब हम एंड में बेसन डाल देते हैं इसमें, और बेसन डालने के बाद हमें इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमारा बेसन ऑलरेडी रोस्टेड है, तो हमें इसको बहुत देर तक नहीं पकाना है। बस ये जो स्टफिंग है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, और उसके बाद आप 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पका लीजिए। तो आपकी जो मूली और मेथी के पराठे की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है, और अब हमें इसको ठंडा कर लेना है। तो चाहे तो आप इसको कढ़ाई में या चाहे किसी प्लेट में डालकर आप इसको ठंडा कर लीजिए। तो आप आटे की एक लोई बना लीजिए, और अब हमें इसको रोटी की तरह बेलना है। जब हमने आटा लगाया था तो इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी, नमक और अजवाइन ऐड किया था। रोटी को इतना बेलने के बाद आप इसमें जो स्टफिंग है वो डाल दें। स्टफिंग हमेशा ठंडी होनी चाहिए ताकि हमारा पराठा बिल्कुल ना फटे। और आप देखिए मैं किस तरीके से इसकी स्टफिंग कर रही हूँ, और आपको इस तरीके से पराठे का शेप देना है। और इसके बाद आप इस पर हल्का सा आटा लगाकर इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलना है। आपको इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो जो इसकी स्टफिंग है वो निकल जाएगी। और हमने तवा गर्म होने के लिए रखा है, तो अब हम इसको डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें, और अब हम पराठे को टर्न कर लेते हैं। पराठे को एक बार और टर्न कर लेते हैं, और आपको इस पर घी, बटर, ऑयल जो भी पसंद हो वो लगाइए। आपको सारे पराठे इसी तरीके से सेकने हैं। मैंने अभी इस पे बटर लगाया है,
तो हमारा पराठा एकदम फूल चुका है और इसकी स्टफिंग भी कहीं से नहीं निकली है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमारा पराठा कितना अच्छे से फूल चुका है। तो आप चाहे तो इसको गर्मा गर्म नरमा नरम ही फूले हुए पराठे को खाएं, और अगर आपको क्रिस्पी पराठा पसंद है तो आप इस वुड मेशर का यूज़ करते हुए इसको प्रेस करते हुए एकदम क्रिस्पी कर ले। इससे पराठा बहुत क्रिस्पी हो जाता है। तो तैयार है हमारे गर्मा गर्म मेथी मूली के पराठे। आप इन्हें ठंडे ठंडे दही चटनी और सॉस के साथ सर्व करें। और आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।